गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास साइंस के अंदर वीडियो नंबर 10 लेकर के आए हैं। और वीडियो नंबर 10 के अंदर हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं हमारी बुक के, उन्हें कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप्स, वन वर्ड्स टाइप्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये करा चुके हैं, और हार्ड वर्ड्स आपको कराए हैं। आई होप आप लोगों ने उन्हें अच्छे से लर्न कर लिया है। बिकॉज ऑफ उन्हें आप लर्न करेंगे तभी क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के लर्न कर पाएंगे। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। What are the different sources of food for human beings? यानी कि human beings के लिए different source, विभिन्न तरीके क्या हैं खाने के लिए, ठीक है? विभिन्न उत्पाद क्या हैं, विभिन्न sources क्या हैं human beings के लिए खाने के लिए। और आपसे इसी में बाद में पूछा है, explain in brief की संक्षिप्त में बताइए, विद रेफरेंस टू प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड, कि पौधे जो हैं वो किस तरह से सोर्स ऑफ फूड हैं। क्लियर है? तो देखिए इसका आंसर सबसे पहले तो सोर्सेज ऑफ फूड है क्या हमारे प्लांट्स। देखिए जितना मैं जो है आपको शॉर्ट करवा सकती हूँ उतना शॉर्ट रखेंगे हम, लेकिन फिर भी लॉन्ग आंसर्स हैं तो थोड़े तो ये जो है डीप हो जाएंगे। सोर्सेज ऑफ फूड हमारे पास सबसे पहले देखिए क्या होते हैं, दो होते हैं, एक तो प्लांट्स एंड सेकेंड इज एनिमल्स। तो ये हमारा हो गया कि सोर्सेज ऑफ फूड दो हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर उसने आपसे इसी में स्पेशली पूछा है कि प्लांट्स के बारे में बताओ, प्लांट्स किस तरह से सोर्सेज ऑफ फूड है। तो देखिए प्लांट से आपको क्या क्या फूड प्रोवाइड होता है। द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर, जो खाना हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं उनमें आती हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कीरील, पल्सेस, शुगर, ऑयल्स एंड स्पाइसेस, यानी कि सब्जियां, फल, धान, दालें, चीनी, तेल और मसाले। ये सभी चीज़ें जो है ना, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, फूड जो हमें ये प्राप्त होता है वो प्लांट से प्राप्त होता है। क्लियर? अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द एनिमल प्रोडक्ट यूज एज फूड बाय ह्यूमन बीइंग्स, कि ह्यूमन बीइंग्स जो है एनिमल प्रोडक्ट्स को किस तरह से खाने के लिए यूज में लेते हैं, कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट हैं, यानी जंतु उत्पाद ऐसे कौन कौन से हैं जिन्हें ह्यूमन बीइंग्स फूड के तौर पर खाते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि द फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, कि जो खाना हमें एनिमल्स के थ्रू प्राप्त होता है वो कौन कौन सा है। जैसे कि हम एग्स खाते हैं, हम मीट खाते हैं, मिल्क, फिशेस एंड हनी, ये सारी जो चीज़ें हैं खाने की, ये सारे तरह का फूड प्रोडक्ट है, ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें, एनिमल्स के थ्रू प्राप्त होता है। क्लियर? इसके बाद हम अब थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, राइट द एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग फूड, यानी कि खाने को पकाने के क्या फ़ायदे हैं, खाना हम पकाते क्यों हैं, इसके आपको फ़ायदे यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग फूड, कि खाने के जो है पकाने के फायदे क्या हैं देखते हैं। पहला फायदा, इट मेक्स फूड एडिबल, यानी कि ये खाने को क्या करता है, खाने लायक बनाता है, ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसा फूड मटेरियल भी होता है जिन्हें आप बिना पकाए नहीं खा सकते हैं, तो ये जो कुकिंग फूड है ये खाने को एडिबल यानी खाने के लायक बनाती है। इसके बाद देखिए सेकेंड, इट मेक्स फूड आइटम्स सॉफ्ट एंड ईजीली डाइजेसिबल, यानी कि खाना पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, यानी खाना पकाने के जो प्रोसेस है उसमें खाने के आइटम को सॉफ्ट किया जाता है, जिससे वो ईजीली डाइजेसिबल यानी कि आसानी से पच सके, ठीक है?
इसके बाद थर्ड है इट मेक्स फूड टेस्टियर, यानी कि खाना पकाने से खाना टेस्टी भी हो जाता है, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट है इट किल्स हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन रॉ फूड। और ये जो है ना, कच्चे खाने में जितने भी जर्म्स होंगे उन सबको जो है किल कर देता है, मार देता है खाना पकाने के दौरान, क्योंकि खाना जो है पकता है तो उसमें से सारे जर्म्स जो है मर जाते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं, लाभ हैं खाने को पकाने के, क्लियर। इसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। एक्सप्लेन इन ब्रीफ आपसे कहा है, यानी कि छोटे तौर पर ही समझाना है आपको कि इंडिया के अंदर अलग अलग रीजन्स में लोग किस किस तरह का खाना खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ आंसर में, देखिए इंडिया के चार रीजन है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। तो ईस्टर्न रीजन के लोगों में खाने की क्या हैबिट्स हैं, वो क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा राइस, फिशेस और सी फूड, यानी कि समुद्री खाना जो होता है वो खाते हैं, चावल खाते हैं, मछली खाते हैं। सबसे ज़्यादा ईस्टर्न जो रीजन के लोग होते हैं वो ये खाना प्रेफर करते हैं। उसके बाद वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन यानी जो गुजरात वाला इलाका होता है, वेस्टर्न रीजन में आता है। तो वेस्टर्न रीजन में क्या क्या खाना पसंद किया जाता है, ढोकला पसंद किया जाता है, पल्सेस यानी दालें पसंद की जाती हैं, ग्राउंड नट्स बहुत खाए जाते हैं, और उसके साथ साथ राइस एंड फिशेस भी खाना प्रिफर किया जाता है, क्लियर। उसके बाद देखिए आता है नॉर्दर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन यानी कि राजस्थान का कुछ इलाका, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ का जो इलाका है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जाता है, चपाती यानी रोटियाँ, पराठे और लस्सी, ये जो चीज़ें हैं, और मसालेदार जो खाना होता है वो उत्तर भारत में पसंद किया जाता है। और साउदर्न रीजन यानी दक्षिणी भारत में क्या क्या खाया जाता है, देखिए फिशेज, राइस और सी फूड तो खाया ही जाता है, इसके अलावा इडली, डोसा एंड अदर प्रिपरेशन ऑफ राइस, यानी चावल से बनी बहुत सारी चीज़ें, इडली, डोसा, ठीक है, क्या, और जैसे कि सांभर वगैरह, जो भी चावल से बनी चीज़ें बहुत खाई जाती हैं। इसके अलावा बनाना यानी केला बहुत खाया जाता है, और कोकोनट यानी नारियल जो है वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इफ वहाँ पर रेगुलर ऑयल की जगह पर कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं और वो डिफरेंट तरह का खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, गिव एग्जाम्पल्स टू। आपसे कहा है हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बीच में डिफरेंस बताएं और उन्हें एग्जाम्पल सहित बताएं। तो देखिए आप इस तरह से एक टेबल बनाइए, एक तरफ हर्बीवोर्स, एक तरफ कार्निवोर्स, अब इनका आप डिफरेंस बता सकते हैं। देखिए हर्बीवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, यानी वो जानवर, वो पशु पक्षी जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स यानी पेड़ों के बने उत्पाद ही खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे कि काऊ यानी गाय, बफेलो भैंस, डियर हिरन और हॉर्सेस घोड़े, ये सब जो है ये जो खाना खाते हैं वो हर्बी मतलब कि शाकाहारी खाते हैं, और कार्निवोर्स का मतलब होते हैं मांसाहारी। देखिए एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, यानी वो जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए जैसे लॉयन, टाइगर, स्नेक्स और ईगल्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब मांस खाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गए हैं। तो यानी कि अब आपके पास लर्न करने के लिए बहुत सारा मैटर तैयार हो चुका है, तो अब आप इन्हें CW में लिखिए और उसके साथ साथ इन्हें लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।